बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, आज का हमारा टॉपिक है एवोल्यूशनरी चेंजेस इन द अरेंजमेंट ऑफ बोन्स एंड रिलेटेड मोड ऑफ लोकोमोशन इन मेजर ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट के पांच ग्रुप हैं, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, मैमल और बर्ड। जाहिर है ये पांचों ग्रुप एक ही जमाने में जमीन के ऊपर मौजूद नहीं थे। एवोल्यूशन के लिहाज से देखा जाए तो सबसे पहले एवोल्यूशन हुई थी फिशेस की, फिर एम्फीबियंस, रेप्टाइल, मैमल एंड बर्ड्स। तो एवोल्यूशन के मैकेनिज्म में फिशेस का स्केलेटन और लोकोमोशन और तरह की है। फिर जब एम्फीबियन इन्वॉल्व हुए, उनकी एवोल्यूशन हुई, इवॉल्व हुए, तो इनके स्केलेटन और लोकोमोशन में चेंजेस आई, मॉडिफिकेशंस आई। फिर रेप्टाइल जब इवॉल्व हुए तो स्केलेटन में मजीद एवोल्यूशन हुई और जाहिर है मोड ऑफ लोकोमोशन, लोकोमोशन के तरीकाकार में भी चेंजेस आई। और सेम केस रिपीट होता हुआ बर्ड्स तक है कि जैसे जैसे एवोल्यूशन होती गई, इनकी ना सिर्फ स्केलेटन में चेंज आई, इनकी बोन्स की अरेंजमेंट में चेंज आई और उसी लिहाज से इनका मोड ऑफ लोकोमोशन, इनका हरकत करने का तरीका भी बदलता चला गया। क्योंकि लोकोमोशन तो डेफिनेटली डिपेंड करता है मसल और स्केलेटन का इंट्रैक्शन, तो जब स्केलेटन की अरेंजमेंट चेंज हो रही है तो डेफिनेटली फिर मोड ऑफ लोकोमोशन भी किसी हद तक चेंज होता जाएगा। तो इसी पे सारी हमने डिस्कशन करनी है कि वो स्केलेटन में क्या चेंजेस आ रही हैं और मोड ऑफ लोकोमोशन में कितनी चेंज आई। इसको कंटिन्यू करते हुए हम पहले बात कर लेते हैं जी फिशेस की। अब फिशेस के स्केलेटन में अगर बात की जाए तो बड़ी बात आपको क्या नजर आएगी कि फिशेस के स्केलेटन में कहीं पे लिम्फ्स मौजूद नहीं है। नो लिम्फ्स, इनमें कोई लेग्स आपको नजर नहीं आएगी, नो लिम्फ्स। दूसरी बड़ी चीज जो आपको नजर आएगी कि जब भी फिश लोकोमोट करती है तो स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है आपको, इसकी लोकोमोशन होती है एस बैंड। एस बैंड का मतलब जब फिशेस तैर रही होती हैं तो वाजे तौर पे देखा जा सकता है कि उनकी बॉडी राइट और फिर लेफ्ट को, फिर राइट, फिर लेफ्ट को अल्टरनेटिवली दाएं बाएं लहराती इनकी बॉडी। ये दाएं बाएं बॉडी जो हरकत करती है, लहराती है, इसी को हम लैशिंग मूवमेंट का नाम भी देते हैं। और ये भी आपको स्क्रीन पे ये वर्ड लिखा हुआ नजर आएगा जिसको हम लैशिंग मूवमेंट का नाम देते हैं, दिस वन। यहाँ पे आपको ये नजर आएगा लैशिंग मूवमेंट। अब ये लैशिंग मूवमेंट कैसे होती है? एक्चुअली जो फिशेस के मसल्स है ना, इनकी अरेंजमेंट क्या है, ये बॉडी की साइड पे होते हैं, ऑन साइड्स ऑफ बॉडी। जैसे ये फिश जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, मैं अगर इसको मेंशन करूं तो आप वाजे तौर पे देख सकते हैं कि इनके मसल किस साइड पे होंगे, तो वो जरा ध्यान रखिएगा। इनके मसल की अरेंजमेंट कैसी होगी, ये देखिए फिश की बॉडी पे ये राइट साइड पे मसल है और ये लेफ्ट साइड पे मसल है। अब राइट और लेफ्ट साइड वाले, लेटरल साइड वाले मसल जो हैं, और यही सिचुएशन आपको ये टेल वाले हिस्से में भी नजर आ रही होगी, ये तो यहाँ पे जो मसल है ये इकट्ठे कंट्रैक्ट नहीं करते, बारी बारी कंट्रैक्ट करते हैं अल्टरनेटिवली। जिस साइड के मसल कंटेक्ट करेंगे बॉडी उसी तरफ लैश करती है, उसी तरफ लहराती है।
तो अल्टरनेटली मसल के कंट्रैक्ट रिलैक्स करने से लैशिंग मूवमेंट होती है और ऐसे लगता है कि जैसे फिश स्पाइरल अंदाज में तैरती जा रही है, इसको एस बैंड लोकोमोशन का नाम दिया जाता है। और इस टाइप की लोकोमोशन आपको स्पेशली मिलेगी कार्टिलेज फिशेस में, जैसे डॉग फिश है और शार्क फिश है। फिश के बाद अगर हम बात कर ले एम्फीबियन और रेप्टाइल्स की, कि उनमें लोकोमोशन कैसे होती है, पहले तो आप ये देखें, अगर तो एम्फीबियंस में लेग मौजूद है तो वो लेग बॉडी की बिल्कुल नीचे नहीं होती, बॉडी की राइट और लेफ्ट साइड पे अटैच होती है। जैसे अगर आप फ्रॉग की बात कर लें तो फ्रॉग की जो चार टांगे हैं वो उसकी बॉडी के बिल्कुल नीचे नहीं है, वो बॉडी की राइट और लेफ्ट साइड पे अटैच होती है। इसी तरह लिजर्ड की बात कर लें, क्रोकोडाइल की बात कर लें, आप सलामेंडर की बात कर लें, स्नेक इस कैटेगरी में हम गिने क्योंकि उसमें तो लेग्स नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मोस्टली एम्फीबियन और अपल के रेप्टाइल क्या है, टेट्रापोड। टेट्रा का मतलब है फोर, पोड का मतलब है फुट या लेग्स, फोर फुटेड एनिमल्स हैं ये, चार टांगों वाले। हालांकि टेट्रापोड में मैमल और बर्ड भी शामिल है, लेकिन स्पेशली हम किसकी बात कर रहे हैं, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स की। तो टेट्रापोड में जो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स हैं, इनकी अगर टांगे मौजूद हैं तो वो टांगे कहाँ पे होंगी, बिल्कुल बॉडी के साइड पे होंगी, बिल्कुल बॉडी के नीचे ये मौजूद नहीं होती। अगर आप मैमल्स की बात करें बच्चों, तो मैमल्स की लेग्स बिल्कुल बॉडी के नीचे होती है, जैसे गाय भैंस को देखें, उनकी टांगे बिल्कुल उनकी बॉडी के नीचे मौजूद होती है। लेकिन एम्फीबियन और रेप्टाइल में ऐसा नहीं है। और इसका नुकसान क्या होता है कि एम्फीबियन और रेप्टाइल की लोकोमोशन इस कदर ज्यादा तेज नहीं होती, क्योंकि वो लेग जब बॉडी की साइड पे अटैच होती है ना, तो वो लेग्स बॉडी वेट को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाती, बॉडी को पूरी तरह सपोर्ट नहीं दे पाती, और इसलिए लोकोमोशन थोड़ी स्लो डाउन ही रहती है। और अगर आप स्नेक की बात कर लें और एम्फीबियन में से सिसिलियन की बात कर लें, तो ये दोनों लेग लेस होते हैं, रेप्टाइल में स्नेक और एम्फीबियन में सिसिलियंस, इन दोनों में लेग्स मौजूद नहीं, इसलिए मछली की तरह अपनी बॉडी को लहरा के चलते हैं दाएं बाएं, इसको एस रिगल का नाम दिया जाता है। जैसे आप स्नेक देख सकते हैं कि ये बॉडी जो है एस रिगल है, ये स्पाइरल अंदाज में ये मूव कर रहा है, ये सिसिलियन अगर तो ये भी एस फैशन में मूव कर रहा है। इवन कि अगर आप क्रोकोडाइल लिजर्ड को कभी चलते देखे ना, तो आप हैरान होंगे कि उनमें भी थोड़ा पैटर्न ये स्पाइरल ही है। बल्कि आइंदा आपने ऑब्जर्व करना है कि लिजर्ड अगर वॉल के ऊपर चल रही है तो आप हैरान होंगे देख के, क्योंकि उसकी वो स्ट्रेट डायरेक्शन में वॉक नहीं कर रही होती। और से आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कभी उसकी बॉडी राइट साइड पे टर्न हो रही होती है, फिर लेफ्ट साइड पे, फिर राइट साइड पे, अल्टरनेटिवली। इसका मतलब है फिश के लोकोमोशन का स्टाइल इनमें अभी झलक मौजूद है, मुकम्मल तौर पे तो नहीं, थोड़ा सा ये एलिमेंट जो है वो तमाम रेप्टाइल में मौजूद है और एम्फीबियन तमाम में आप नहीं कह सकते। जैसे फ्रॉग में अगर जंपिंग हो रही है तो वो एस फैशन जंपिंग तो नहीं करता ना, तो एस रीगल वाला मामला, यानी बॉडी को दाएं बाएं लहरा के चलने वाला मामला एम्फीबियन में और रेप्टाइल में इसकी झलक मौजूद है, जिससे अंदाजा होता है कि ये एंसेस्ट्रल करैक्टर है, फिश वाला करैक्टर ही इन तक पहुंचा हुआ है। उसके बाद देखें जी, ये जितने भी टेट्रापोड है ना, चाहे वो एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल्स है, इनके स्केलेटन में ना होमोलोगी सिमिलैरिटी बहुत है, इसलिए इन सबके लोकोमोशन के पैटर्न में थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं,
अदरवाइज स्केलेटन में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज है। जैसे मैं अगर आपको ये सॉरी फॉर दैट, आप ये टॉप पे जो डायग्राम नजर आ रही है आपको पेल्विक गर्डल या पेल्विक जर्डल, तो ये तमाम वर्टिब्रेट का सॉरी टेट्रापोड का, इसमें फिशेस को हम शामिल नहीं कर रहे, तमाम टेट्रापोड का पेल्विक जर्डल होमोलोगस है। बहुत सारी सिमिलैरिटी हैं। पहली सिमिलैरिटी तो आपको ये मिलेगी कि सबका पेल्विक जर्डल ये वर्टिब्रल कॉलम के लास्ट पोर्शन के साथ जुड़ा होता है, और इस लास्ट पोर्शन को आप जानते हैं सैक्रम का नाम दिया जाता है। मैं अभी इसको हाईलाइट करूंगा तो फिर ये वाजे हो जाएगा। ये रीजन देखें जहां पर मैंने रेड डॉट लगाया है, ये सैक्रम है जी, वर्टिब्रल कॉलम का लास्ट पोर्शन है, और आप देख सकते हैं कि इसके राइट और लेफ्ट साइड पे जो है पेल्विक जर्डल की बोन्स अटैच है। तमाम टेट्रापोड में ऐसा ही है कि पेल्विक जर्डल वर्टिब्रल कॉलम के लास्ट पोर्शन सैक्रम के साथ अटैच होगा। दूसरी सिमिलैरिटी आपको क्या नजर आएगी पेल्विक जर्डल में ही, पेल्विक जर्डल में बोन्स एक जैसी हैं, जैसे तीन तीन बोन होगी, इलियम हो गई, इसकियम है और प्यूपस है जी। ये मैं इनको भी रेड डॉट से मेंशन किया है। उसके बाद आप देखेंगे कि एंटीरियर एंड के ऊपर ये पेल्विक जर्डल की बोन आपस में अटैच होती है, और ये इसके भी मैं एक डॉट की शक्ल में ही रिप्रेजेंट करूंगा ताकि आप इसको भी वाज़े तौर पे देख सकें। तो पेल्विक जर्डल की दोनों साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे आपस में अटैच है। एक और सिमिलैरिटी आपको इसी डायग्राम से बताऊंगा कि पेल्विक जर्डल टेट्रापोड का क्यों एक जैसा है। आपको पता है पेल्विक जर्डल में एक कैविटी होती है, डिप्रेशन होता है, जिसको एसिटाब्यूलम कहते हैं। ये ह्यूमन स्केलेटन में इसका जिक्र आया था, ये एसिटाब्यूलम। पेल्विक जर्डल में एक कैविटी है एसिटाब्यूलम, अब इस ये कैविटी का पर्पस क्या है कि इस कैविटी के साथ लेग बोन अटैच होती है जिसको आप फीमर का नाम देते हैं, दैट इज नोन एज फीमर। अब देखिए टेट्रापोड कोई भी है, एम्फीबियन है, रेप्टाइल है, बर्ड है या मैमल है, सबका पेल्विक जर्डल इसी स्ट्रक्चर के साथ है। हाँ, डिफरेंस सिर्फ इतना हो सकता है कि पेल्विक जर्डल का साइज कम या ज्यादा हो सकता है। डिफरेंस इतना हो सकता है कि फीमर और पेल्विक जर्डल की आपस में अटैचमेंट फ्लेक्सिबिलिटी का फर्क हो सकता है कि यहाँ पे लेग्स और पेल्विक जर्डल की जो अटैचमेंट है ये लेस फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, ज्यादा फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल पेल्विक जर्डल तमाम टेट्रापोड में स्ट्रक्चर वाइज एक जैसा ही होता है, कंपोनेंट वाइज एक जैसा ही होता है। और इससे भी ज्यादा दिलचस्पी की बात यह है कि तमाम टेट्रापोड की जो लिम्ब्स हैं, तमाम टेट्रापोड की लिम्ब्स, उनमें भी होमोलोगी मौजूद है, उनमें भी सिमिलैरिटी मौजूद है, और वो सिमिलैरिटी क्या है वो जरा देखिए। तमाम टेट्रापोड की जो लेग्स होती हैं या आर्म्स होते हैं लिम्ब, ये बुनियादी तौर पे पेंटाडक्टाइल हैं। पेंटा का मतलब है फाइव, डक्टाइल का मतलब है डिजिट, उंगलियां। तो इनकी लिम्ब्स जो हैं, चाहे वो अगली टांगे हैं, चाहे पिछली टांगे हैं, चाहे बाजू और टांगे हैं, जो भी सिचुएशन होगी,
पांच पांच उंगलियां मौजूद होती हैं। बुनियादी तौर पे तमाम टेट्रापोड में यही सीन है। लेकिन क्या हुआ कि एवोल्यूशन के साथ साथ इसमें कुछ हड्डियां आपस में फ्यूज होती गईं, कई जगहों पे खत्म होती गईं, तो ये सब में अब पांच उंगलियां नहीं ही रही। जो इनके इंसेस्टर थे उनकी लिंब में पांच पांच उंगलियां थी हाथ और पांव में, लेकिन फिर जैसे जैसे एवोल्यूशन होती गई कहीं पे दो उंगलियां मिलके एक बन गई, इसको फ्यूजन कह दिया, कहीं पे उंगलियों की तादाद कम होगी तो वेरिएशन आ गई है। जैसे मैं ये डायग्राम में मेंशन करूं अगर आपको, तो पहले आप ह्यूमन आर्म को देखें अगर, तो इसके हाथ में ये देखे पांच उंगलियां हैं। अब हॉर्स की अगली पिछली टांग देखें तो बेटा इसके पांव में ये पांच उंगलियां नहीं रही। बाकी देखो फीमर एक जैसी, रेडियस अल्ना ऑलमोस्ट सिमिलर, लेकिन यहाँ पे आगे प्रॉब्लम आ गई जी कि पांव में जो उंगलियां ये पांच नहीं रही। इसी तरह व्हेल एक मैमल है जो पानी में रहता है, इसमें आप चेक कर सकते हैं, इसमें आपको पांच उंगलियां मिल रही हैं। जो ये व्हेल का फ्लैपर होता है ना, जिससे व्हेल ने तैरना होता है, ये वाला हिस्सा फ्लैपर इसका, ये तो ये इंसानी हाथ से मिलता जुलता है। रेप्टाइल या टर्टल में देखें, इसके पांव में भी पांच उंगलियां आपको नजर आएंगी। फ्रॉग के देख लें, उनमें पांच उंगलियां नजर आएंगी। बर्ड में देख लें, यहाँ पे तादाद कम रह गई है। बर्ड्स का जो विंग होता है ना, विंग, उसकी स्पेशली हम बात कर रहे हैं। अच्छा आप देखें, जिनमें पांच पांच उंगलियां आज भी मौजूद हैं, जैसे इंसान के हाथ में देख लें, टर्टल की अगली टांग में देख लें, फ्रॉग की अगली टांग में देख लें, फेल के फ्लैपर में देख लें, लेकिन मसला क्या आ रहा है, इन उंगलियों की तादाद लेंथ एक जैसी नहीं है, या इनकी अरेंजमेंट का भी फर्क है। देखो इंसानी उंगलियों में हड्डियों की तरतीब और तरह की, बेशक पांच उंगलियां हैं, फेल के फ्लैपर में बेशक पांच हड्डियां हैं, पांच उंगलियां हैं, लेकिन हड्डियों का साइज अलग है, अरेंजमेंट अलग है। तो सारा ये एवोल्यूशन के तबार से है कि इन्होंने लोकोमोशन किस तरह से करना है। तो तमाम टेट्रापोड के एंसेस्टर के हाथ और पांव में पांच पांच उंगलियां थी, इसको हमने कौन सी कंडीशन कह दी है, पेंटाडक्टाइल। लेकिन जैसे जैसे एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता चला गया तो ये पांच उंगलियां जो है वो कम होती चली गई, या आपस में फ्यूज होती चली गई, या इनके अंदर बोन की अरेंजमेंट चेंज होती चली गई। उसके बाद एक और पॉइंट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, छोटा पॉइंट है लेकिन उसको समझना ज्यादा थोड़ा सा मुश्किल होगा, चलें कोशिश करते हैं। अब मैमल्स की बात कर लेते हैं। मैमल्स में तो हमें पता है कि लेग बिल्कुल बॉडी के नीचे मौजूद होती है, खास तौर पे जो फास्ट रनिंग मैमल होते हैं ना, फास्ट रनिंग मैमल, तेज भागने वाले जैसे टाइगर चीता जो है, अब इनमें जो कदमों के दरमियान फासला होता है ना, उसको हम कहते हैं स्ट्राइड लेंथ। या आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वर्ड मैं हाईलाइट कर देता हूँ। चलते हुए या भागते हुए जो कदमों के दरमियान फासला होता है उसको स्ट्राइड लेंथ कहते हैं। जैसे ये देखें, ये पिछली टांग चीते की और ये अगली टांग, दोनों में देखें कितना ज्यादा डिस्टेंस है, तो इसको आप क्या कहेंगे, स्ट्राइड लेंथ कहेंगे। अब ये स्ट्राइड लेंथ जितनी ज्यादा होगी रनिंग स्पीड उतनी ज्यादा होगी। अब इनमें होता है क्या एक्चुअली कि लेग्स जो है ना, फ्रंट लेग, अगली टांगे किसके साथ जुड़ी हैं, पेक्टोरल जर्डल के साथ। पेक्टोरल जर्डल आगे पीछे किसके साथ जुड़ा हुआ है, वर्टिब्रल कॉलम के साथ। इसी तरह पिछली जो टांग है ये पेल्विक जर्डल के साथ अटैच है, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया पेल्विक जर्डल किसके साथ अटैच है, वर्टिब्रल कॉलम के साथ। और वर्टिब्रल कॉलम के साथ भी फर्दर क्या होते हैं, मसल्स अटैच होते हैं। अब सपोर्ट किस तरह से दी जा रही है कि टांग और पेल्विक जर्डल की जो अटैचमेंट है ये बहुत फ्लेक्सिबल होगी,
और वर्टिब्रल पेल्विक जर्नल के दरमियान जो कनेक्शन होगा वो बहुत फ्लेक्सिबल होगा। अब जो बैक के मसल्स होते हैं वर्टिब्रल कॉलम के साथ जो मसल्स होते हैं उनकी फोर्स मुंतकिल होती है पेल्विक जर्नल में, पेल्विक जर्नल की फोर्स मुंतकिल होती है लेग्स में, और लेग्स के जो मसल हैं इनकी फोर्स मुंतकिल होती है जमीन में, और इस तरह से ये स्ट्राइड लेंथ इंक्रीज होगी और इनकी रनिंग स्पीड ज्यादा होगी। अब देखिए जब हम चल रहे होते हैं ना तो सिर्फ हमारे लेग के मसल ही सपोर्ट नहीं कर रहे, ये जो हमारी बैक के मसल होते हैं वर्टिब्रल कॉलम के साथ मसल होते हैं इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो बैक मसल की फोर्स ट्रांसमिट हो रही है वर्टिब्रल कॉलम की फोर्स मुंतकिल हो रही है पेल्विक जर्नल के साथ अटैच है लेग। अब लेग और पेल्विक जर्नल में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है, स्ट्राइड लेंथ में इजाफा हो जाता है और फिर लोकोमोशन शुरू हो जाती है। तो मैमल्स के बाद बेटा जिक्र है बर्ड्स का, तो कल आपको अंदाजा होगा कल हमने बर्ड्स की फ्लाइट के बारे में जो भी बातें की थी वो दोबारा इस टॉपिक में आपने शामिल कर लेनी है, इसलिए मैं उसको आज दोबारा से डिस्कस नहीं कर रहा। तो मैमल के बाद जो बर्ड्स का स्पेशली जिक्र है, तो बर्ड्स की फ्लाइट किस तरह की होती है, उसके लिए अडेप्टेशन क्या होती हैं, ये हम प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से इसको हम कवर अप करके आए हैं। तो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं।